हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं अनिकेत और आप लोग ये कहानी योर अनिकेत यूट्यूब चैनल पर सुन रहे होंगे। ये कहानी थोड़ी सी फिक्शनल होने वाली है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, बस आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए। ये कहानी है रोहन की। रोहन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। रोहन के पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो घर की आर्थिक स्थिति तो ठीक थी। रोहन का जेई मेंस का एग्ज़ाम था, जिसका सेंटर लखनऊ में था। तो रोहन के पापा ने रोहन को बोला कि बेटा एक काम करो, तुम ट्रेन का टिकट बुक कर लो। तुम अगर जनरल से जाओगे तो अब तो तुम रास्ते में ही थक जाओगे, तो एग्ज़ाम में लिखोगे क्या। तो रोहन टिकट बुक करने लगा। सीट खाली था नहीं, बहुत ही मुश्किल से एक ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक टिकट मिला इसको। फिर क्या, रोहन अपना बैग पैक किया और चला गया ट्रेन पकड़ने। दोपहर में ट्रेन थी और ट्रेन शाम को लखनऊ पहुंचा देने वाली थी। रोहन जाकर ट्रेन में बैठा, अपना सफ़र पूरा किया, लखनऊ उतर भी गया। लखनऊ उतर कर स्टेशन के बाहर निकला तो नोटिस करता है कि उसका फ़ोन तो है ही नहीं। जेब चेक किया, बैग चेक किया, पर फ़ोन कहीं नहीं था। वो भागा भागा प्लेटफॉर्म पर गया। उसको लगा कि कहीं फ़ोन मेरा सीट पर तो नहीं छूट गया, लेकिन जब तक वो प्लेटफॉर्म पर जाता बहुत देर हो चुकी थी, ट्रेन वहाँ से निकल चुकी थी। रोहन थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन वहाँ से आया बाहर, उसको लगा छोड़ो एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। वो एक होटल लेता है और वहाँ से किसी का फ़ोन लेकर अपने घर कॉल करके बताता है कि उसका फ़ोन खो गया है। उसके मम्मी पापा ने भी बोला कि कोई बात नहीं, तुम एग्ज़ाम पर फोकस करो। रोहन अपना एग्ज़ाम भी देता है उसके सुबह। फिर अगले दिन ट्रेन पकड़कर वापस घर चला जाता है। रोहन जब घर पहुंचा तो उसके पापा ने उसको बहुत डांटा, बोला कि तुम गैर जिम्मेदार हो, अब रहो बिना फ़ोन के। उस वक्त मैं नहीं कुछ बोला क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम था, आजकल बिना फ़ोन के कौन रह पाता है भला। रोहन बिना फ़ोन का था। रोहन एक दिन बैठा बैठा सोचता है कि कॉल करके देखता हूँ अपने नंबर पर, क्या पता कॉल लग जाए। तो अपने मम्मी का फ़ोन से उस पर कॉल करता है। पहली रिंग होती है तो उसको लगता है कि शायद मोबाइल कहीं गिरा हुआ है, चोरी नहीं हुआ है, लेकिन कोई कॉल रिसीव करता नहीं है। फिर दोबारा कॉल करता है, फिर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, लेकिन रोहन को लगता है कि मोबाइल मेरा खोए हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी तक मोबाइल ऑन है, इसका मतलब कोई चोर तो नहीं ले गया है, और 2 दिन तक ऑन है इसका मतलब कोई मोबाइल मेरा चार्ज भी किया होगा, तभी तो अभी तक चल रहा है। रोहन ने फिर शाम को कॉल किया, एक कॉल किया, पूरा फोन रिंग हुई लेकिन किसी ने कॉल रिसीव किया नहीं। दूसरी कॉल किया, तब तक कॉल रिसीव होती है। जैसे ही कॉल रिसीव होती है, रोहन बोला कि हेलो आप कौन बोल रहे हैं। सामने से वही जवाब, पहले आप बताइए आप कौन। तो इसने बोला कि मैं रोहन बोल रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन है, ट्रेन में खो गया था। उधर से जवाब आता है कि हाँ हाँ मुझे ट्रेन में ही मिला था, ये फ़ोन आपका है। रोहन बोला जी जी मेरा ही है। सामने से आवाज़ आता है कि हाँ वो तो लग रहा है कि आपका है, क्योंकि नंबर सेव है मॉम नाम से, आप करते क्या हैं। रोहन बोला कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी पढ़ता हूँ। सामने से जो बात कर रहा था उनकी आवाज़ अंकल जैसी लग रही थी, तो रोहन भी अब अंकल अंकल करके बातें करने लगा। बोला अंकल ये फ़ोन आपको कैसे मिला। तो वो बोलने लगे कि मेरा टिकट था लखनऊ से दिल्ली का, मैं ट्रेन में बैठा, मैं सीट पर सो रहा था तो मुझको मिला ये फ़ोन, मैंने सोचा किसका है, पहले मैंने ढूंढा बहुत लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि रख लेता हूँ, जिसका होगा वो कॉल करेगा तो मैं रिसीव करके बता दूँगा, पर अभी तक किसी का कॉल आया ही नहीं था, तो मैंने रखा हुआ था फ़ोन, चार्ज भी किया फ़ोन को। दोपहर में आपका कॉल तो आया था पर मैं बिजी था, मोबाइल घर पर था,
मैं फिर शाम को आया तो आपका कॉल का वेट कर रहा था, क्योंकि आपका मोबाइल तो लॉक है तो मैं तो इधर से कॉल कर नहीं सकता था। फिर रोहन बोलने लगा कि अंकल, फ़ोन के वजह से मैं घर पर बहुत डांट सुनता हूँ, पापा तो नया फ़ोन भी नहीं दिलवा रहे हैं। अंकल बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना फ़ोन ले लीजिएगा, पर अभी तो मैं दिल्ली हूँ, 2 दिन बाद मैं लखनऊ जाऊँगा। वैसे आप है कहाँ से? बोला कि मैं तो गोरखपुर से हूँ पर लखनऊ में आ जाऊँगा फ़ोन के लिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। अंकल बोले फ़ोन तो मैं लौटाऊँगा, लेकिन पहले आपको 5 बार मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। रोहन बोला कि क्यों? तो अंकल बोले कि आपने गलती ऐसी की है, पहली गलती अगर आपका फ़ोन खो गया तो आपने अपना नंबर बंद क्यों नहीं करवाया, और दूसरा कि जब फ़ोन खो गया तो आपने एक बार भी कॉल करके क्यों नहीं देखा। फिर रोहन बोला कि सॉरी अंकल, फिर बताने लगा कि एग्ज़ाम देने गया था, एग्ज़ाम का बहुत टेंशन था। अंकल भी बोले फिर ठीक है कोई बात नहीं। फिर अंकल बोले कि वैसे आपको लखनऊ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से भिजवा दूँगा, बहुत सारे लोग गोरखपुर आते जाते रहते हैं, मैं उनसे भिजवा दूँगा, आप वहाँ से ले लेना। फिर रोहन बोलने लगा थैंक यू अंकल, आपके जैसा हर कोई नहीं होता। फिर अंकल से रोहन उनका पर्सनल नंबर ले लेता है, घर पर बताता है कि मम्मी पापा मेरा फ़ोन मिल गया, ऐसी ऐसी बात थी। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। करीब 3-4 दिन बाद अंकल कॉल करते हैं रोहन के पास, उसके घर वाले नंबर पर। उसकी मम्मी पहले कॉल रिसीव करती है तो बोलते हैं कि रोहन से बात करना है। रोहन बात करता है तो अंकल बोले कि बेटा मैं तुम्हारा फ़ोन भिजवा रहा हूँ, ये नंबर तुम नोट कर लो, गोरखपुर जंक्शन से तुम अपना फ़ोन ले लेना, इनसे कॉल करके बात करके कल ये पहुँच जाएंगे, कल आप ले लेना। वैसा ही होता है, रोहन को अपना फ़ोन मिल जाता है। उसके बाद रोहन अंकल को कॉल करता है और अंकल को बहुत सारा थैंक यू बोलता है, बहुत देर तक थैंक यू बोलता है, लेकिन इस बार रोहन अपने नंबर से कॉल किया था, बोला कि ये मेरा नंबर है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके वजह से मेरा फ़ोन मिल गया, वरना बिना फ़ोन का मैं था, ऊपर से घर वालों का डांट सुनना पड़ रहा था। अंकल बोले कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप इतने खुश हो। फिर क्या था, फिर दोनों की अक्सर किसी न किसी बहाने बात हो जाया करती थी। फिर दोनों की बातें शुरू हो गई, कभी रोहन कॉल कर देता, कभी अंकल कॉल कर देते, और शुरुआत क्या करते थे, ओ मैंने सोचा कि आपसे आपका हाल चाल पूछ लूँ, बस यहीं से शुरुआत होती थी और बातें कर लेते थे। धीरे धीरे बातें बहुत लंबी लंबी होने लगी, छोटी छोटी बातें लंबी लंबी होने लगी। बातें करते करते धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से बात करने की आदत लग गई, दोनों को अच्छा लगता था एक दूसरे से बातें करना, पर कभी उसके आगे बढ़ नहीं पाए, कभी शायद एक दूसरे से कह नहीं पाए कि आपसे बातें करने का बहुत मन करता है। दोनों बातें करते, शुरुआत यही होता था कि फ्री बैठा था तो सोचा आपसे बात कर लूँ, बस यहीं से शुरुआत होती थी, और इन दोनों को लत लग चुकी थी एक दूसरे से बातें करना, पर कोई कह नहीं पा रहा था, और यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से ये भी नहीं कह पाए कि आपकी फ़ोटो देखनी है या फिर कभी वीडियो कॉल कर लीजिए, कैसे कहते कि आपको देखना है। इसको लग रहा था कि अंकल सोचेंगे कि क्यों देखना है, अंकल को लगता था कि मैं बोलूँगा उसको देखना है तो सोचेगा कि भाई क्यों देखना है मुझे। तो दोनों का एक अजीबोगरीब प्यार था, बिना एक दूसरे को देखे इतना सच्चा प्यार, वो भी आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा अलग है। दोनों प्यार कर बैठे थे पर कुछ कह नहीं पाए, और ऐसा नहीं था कि दोनों में कोई सुंदर नहीं था, लड़का भी बहुत सुंदर था, अंकल भी बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। दोनों बातें किए, एक दिन रोहन पूछता भी है कि अंकल आप करते क्या हैं, आपने कभी मुझे बताया ही नहीं।
अंकल बोले कि मैं पुलिस में हूँ, एसआई हूँ। लड़का बोलता है कि जी अंकल बहुत अच्छा। फिर अंकल भी पूछते हैं पूरा इसके फैमिली के बारे में, सब बताता है। अंकल भी अपना हर एक चीज़ बताते हैं, ये तक बताते हैं कि आज यहाँ गया मैं, ये लोग मिले, क्या खाए, सब कुछ शेयर होने लगा एक दूसरे का। दोनों के बीच इतनी सारी बातें होती थी, लेकिन कभी भी दोनों ने ये नहीं कहा कि मुझे आपको देखनी है, अभी आप वीडियो कॉल कर लीजिए। यहाँ तक कि दोनों ने कभी व्हाट्सएप पर मैसेज किया ही नहीं था। अंकल जो नंबर दिए थे उससे तो व्हाट्सएप चलता ही नहीं था। पर हाँ, दोनों ये बातें ज़रूर करते थे कि आप कैसे भी दिखते होंगे, मैं आपको ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई पूछ ही लेता था कि मान लीजिए अगर मैं आपको पसंद नहीं आऊँ तो दोनों का सेम जवाब होता था कि अब चेहरा क्या ही देखना, दिल से जो प्यार करते हैं। तो 3 महीने से ज़्यादा ही हो चुकी थी दोनों की बातें करते करते। एक दिन रोहन बोलता है कि अंकल 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। अंकल बोलता है अरे वाह, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। रोहन बोलता है हाँ, पर काश मैं अपना बर्थडे आपके साथ भी सेलिब्रेट कर पाता। अंकल बोले हाँ, पर अफसोस ये संभव है नहीं, और मैं तो आपको कई बार बुलाया लखनऊ लेकिन आप आते ही नहीं हो, मैं तो टिकट भेजने के लिए भी तैयार हूँ। रोहन बोला कि नहीं अंकल, वो घर पर मैं क्या ही बोलूँगा, मम्मी पापा नहीं जाने देंगे। अंकल बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके बर्थडे वाले दिन, रोहन के बर्थडे वाले दिन, अंकल रोहन से मिलने के लिए, उसको सरप्राइज देने के लिए, इसके लिए स्पेशल गोरखपुर आ गए थे। गोरखपुर आकर उन्होंने रोहन को कॉल किया कि मैं आपके शहर में हूँ। रोहन बहुत खुश हुआ। पहले तो रोहन को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसको पता चल गया कि हाँ अंकल सच में आए हुए हैं, रोहन का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रोहन खुशी खुशी अंकल से मिलने के लिए बाहर गया। अंकल बोले कि मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, आप यहीं पर आ जाइए, फिर हम लोग कहीं चलते हैं अच्छा सा रेस्टोरेंट या होटल में, वहीं पर चलकर साथ में खाना खाएंगे। रोहन बोलता है जी बिल्कुल मैं आता हूँ। घर पर बोलता है कि बर्थडे है, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। दौड़ा दौड़ा जाता है स्टेशन। रोहन स्टेशन के बाहर पहुँचता है, अंकल को कॉल करता है कि मैं स्टेशन के बाहर आ गया हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, आप आ जाइए। अंकल बोलते हैं ठीक है मैं अंदर हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद स्टेशन के अंदर से जितने भी अंकल निकले, रोहन को लग रहा था कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम अंकल देखता था तो रोहन बोलता था काश ये होते, थोड़ा सा अच्छे नहीं दिखते थे तो बोलता था रोहन हे भगवान ये ना हो, लेकिन मायने तो रखता है शक्ल, तो ऐसा ही हो रहा था। उधर अंकल जब बाहर निकले तो भी जब भी कोई लड़का देख रहे थे तो भी सोच रहे थे अच्छा लड़का देख कर काश यही रोहन हो, लेकिन जब दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ ही गई तो ऐसा लगा कि बरसों से दोनों एक दूसरे को जानते हों। दोनों में कोई ऐसा नहीं था जो सुंदर नहीं था, दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। फिर दोनों पास आए, हैंडशेक हुआ, अंकल तो बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, और रोहन का तो डबल सरप्राइज, बर्थडे के लिए सरप्राइज अंकल लाए ही थे, ऊपर से अंकल खुद। उसके बाद रोहन अंकल को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ जाकर कॉफ़ी पिए, खाना खाए, बहुत देर तक वो उसी रेस्टोरेंट में रहे, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उसी रेस्टोरेंट में रहे। रेस्टोरेंट कैबिन वाइज था, तो पहले तो दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे थे, उसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ते हुए उसके बाद जो ऑर्डर किए थे वो खाना शुरू करते हैं। एक एक हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए एक एक हाथ से खा रहे थे। दोनों बहुत खुश थे, और दोनों के बीच एक डर था कि रेस्टोरेंट है, बाहर तो बहुत सारा कैमरा लगा हुआ था, तो दोनों को लग रहा था कि शायद कैमरा में ये भी दिख रहा होगा,
तो दोनों ने कुछ आगे बढ़ा नहीं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और कुछ ना कुछ ऑर्डर किए जा रहे थे। खाना किसी को नहीं था पर ऑर्डर किए जा रहे थे ताकि साथ रहने का मौका मिले, कहीं ये हाथ ना छूट जाए। दोनों में से कोई भी अलग नहीं होना चाहता था और अंकल का वापस सामने ट्रेन भी थी। तो रोहन बोला कि मेरा लखनऊ जैसा बड़ा शहर तो नहीं है कि हम लोग कहीं जाए घूमें, यही है जो है सो। पर हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग मूवी देखने चल सकते हैं क्योंकि वहाँ हम लोग को 2-3 घंटे आराम से मिल जाएंगे साथ में रहने का। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं, दोनों को एक ही जगह सीट भी मिलता है, दोनों ज़्यादातर एक दूसरे का हाथ ही पकड़े होते हैं। अंकल कभी रोहन का हाथ लेकर चूमते हैं, कभी रोहन अंकल का हाथ चूमता है, पर दोनों का सच्चा प्यार था। ऐसा नहीं था कि दोनों को मौका मिले तो दोनों कुछ ना कुछ शुरू कर दे, यही तो सच्चा प्यार की निशानी है। सच्चा प्यार में लोग मौका नहीं ढूंढते, बस प्यार करते हैं दिल से, और ऐसा प्यार एक मैं भी डिजर्व करता हूँ। रोहन के बहुत ज़्यादा कहने पर एक बार अंकल के साथ किस हो जाता है। फिर समय हो गया, समय बीतते देरी कहाँ लगती है। फिर अंकल के जाने का समय आ गया, नम आँखों से दोनों एक दूसरे को बाय किए। दोनों बहुत मायूस थे, कोई एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जाना तो था। अंकल चले गए, इधर रोहन भी अपने घर चला गया। रोहन खुश भी था, मायूस भी था। खुश तो इसलिए था कि उसका प्यार मिला था, सच्चा प्यार आज सामने से मिला था। थोड़ा सा मायूसी इसलिए था कि अंकल चले गए, पर ज़्यादा खुशी था। बर्थडे बहुत अच्छा बीता रोहन का इस बार। अंकल को रोहन इतना पसंद आया कि अंकल घर गए तो अपने वाइफ से बताए कि एक लड़का है रोहन, बहुत अच्छा लड़का है, उससे मतलब मेरी बातचीत होती है ऐसे अच्छे वे में बात किए। उसके बाद से अपनी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस करा दिए रोहन को। रोहन उनके वाइफ से भी बातें करता था। और पता है, अंकल का कोई बाल बच्चा था नहीं, अंकल की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, अब तो अंकल रिटायर भी होने वाले थे, उनका कोई बाल बच्चा था नहीं। अंकल लखनऊ में ही रहते थे, अंकल का घर भी बहुत बड़ा था। तो जेई मेंस का रिजल्ट तो आ गया था पर रोहन का रिजल्ट हुआ नहीं। रोहन फिर से तैयारी कर रहा था तो अंकल और आंटी ने बोला भी कि रोहन तुम एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ लखनऊ, हम लोग के साथ रह लेना और यहीं पर कोई अच्छा सा कोचिंग पकड़ लेना। लेकिन रोहन को पता था कि अगर वो अपने मम्मी पापा से बोलेगा कि वो उसी अंकल से बात करता है तो उसके मम्मी पापा का रिएक्शन बहुत बुरा आएगा, क्योंकि रोहन को पता था कि रोहन के नज़र में अंकल अच्छे हैं, पर उसके मम्मी पापा तो यही सोचेंगे ना कि ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा दोस्ती खास है। तो इसके लिए रोहन ने कभी बताया ही नहीं। रोहन ने ये बातें अंकल को बताई भी तो अंकल बोले हाँ ये तो हो सकता है, अंकल समझ गए। तो रोहन गया नहीं, गोरखपुर में ही था, वहीं पर पढ़ाई कर रहा था, अगली बार भी एग्ज़ाम दिया। तो रोहन को एक प्राइवेट कॉलेज मिला, तो रोहन के पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन रोहन ने सोचा कि लखनऊ ही जाता हूँ। रोहन लखनऊ गया, लखनऊ से ही एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और रोहन अंकल आंटी के साथ ही रहने लगा। रोहन घर पर ये नहीं बोला कि ये वही अंकल है जो फ़ोन लौटाए थे, उसने बोला कि हाँ एक रूम लिया हूँ, एक अंकल आंटी रहते हैं सिर्फ, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हीं के घर पर रहता हूँ और पेमेंट भी करता हूँ। उसके घर वाले पैसे तो देते थे पर रोहन उनको देता नहीं था, वो लोग लेते भी तो नहीं, तो वहीं से डेली कॉलेज अप डाउन किया करता था। अंकल का एक बाइक भी था जो कि उन्होंने छोड़ दिया था रोहन के लिए, तो उसे रोहन ही जाता था, कॉलेज जाता था आता था। अंकल और उनकी वाइफ दोनों रोहन को बहुत प्यार करते थे,
और आंटी तो रोहन को अपने बेटे जैसा मानती थी, और सिर्फ आंटी ही नहीं, रोहन भी उनको बहुत मानता था, हर काम में हाथ बटाता था, उनको कोई भी दुख होने नहीं देता था। और अंकल से तो रोहन का रिश्ता पूछिए ही नहीं, दोनों का तो प्यार अमूल्य है। और जब भी आंटी कहीं गई होती है तो दोनों मौका देखकर आपस में संबंध भी बनाना शुरू कर दिए थे, दोनों बहुत खुश थे। और अंकल प्यार तो रोहन को अपने बेटे जैसा ही करते थे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, जो भी रोहन को चाहिए था अंकल खुद ब खुद लेते आते थे। रोहन घर पर नहीं बोलता था कि उसके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो फिर भी घर से पैसा लेता था, और पैसा लेता था नहीं, पैसा लेता है, क्योंकि अभी रोहन सेकेंड ईयर में है और अंकल से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों का लाइफ ऐसे ही चल रहा है, दोनों बहुत खुश है अपनी अपनी लाइफ में। तो कहानी ये यहीं पर समाप्त होती है। अनिकेत बहुत जल्द मिलेगा एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।